आज धनतेरस से 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत हो गई है। धनतेरस पर्व पर नगर में सामान खरीदने वालों की भारी भीड़ बाजारों में दिखाई दी। नगर की सभी इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल खरीदने वालों की भीड़ दिखाई दी। ऑटोमोबाइल की दुकानों पर दोपहिया वाहनों की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा रही। सोने चांदी के आभूषणों की दुकानों पर धनतेरस पर महिलाओं की भीड़ सोने चांदी के आभूषण खरीदने के लिए काफी संख्या में खरीदारी करने के लिए घरों से निकली, जिसकी वजह से सोना चांदी के आभूषण पिछले वर्ष के मुकाबले बिक्री डबल होने की संभावना दिख रही है। धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा के चलते बर्तनों की दुकानों पर पैर रखने की जगह नहीं है। कपड़ा बाजार में भीड़ कम दिखाई दी, वहीं रेडीमेड कपड़े की दुकानों पर भीड़ नजर आई। गाय बैल के श्रृंगार की दुकानों पर भी भारी भीड़ रही। इसके अलावा साज सज्जा के सामान, दिया बाती की दुकान, बही खाता की दुकान, हार फूल की दुकान, साल की धानी व पटाखों की दुकान, सौंदर्य प्रसादन की दुकान, रंग रोगन की दुकान, पटाखों की दुकान, मेहंदी कलर की दुकानों पर भारी भीड़ रही। बाजारों में अच्छी ग्राहकी की वजह से क्षेत्र के किसानों की सोयाबीन की फसल अच्छी पैदावार हुई। वह सोयाबीन, प्याज, लहसुन, आलू के भाव भी किसानों को अच्छे मिले, जिसकी वजह से पिछले वर्ष के मुकाबले सभी दुकानों पर अच्छी बिक्री हो रही है, जिससे व्यापारियों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। हार्ट पिपला से दौलत मंसूरी की रिपोर्ट। जो है हमारे एरिया में फसल बहुत अच्छी हुई है और व्यवसाय व्यापार अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है और ग्राहकों में भी बहुत उत्साह है और मांग है गाड़ियाँ लेने के लिए। धनतेरस को आज कितनी गाड़ियाँ का लगभग अनुमान है? आज करीब हम 150 के करीब गाड़ियाँ बेचेंगे धनतेरस को, जो कि पिछले साल से भी ज़्यादा है। आपका नाम और दुकान का नाम? मैं रोहित सोनी, श्रीराम ऑटोमोबाइल मेन डीलर, हीरो मोटोकॉर्प, आटोपिया। तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने पूछा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष धनतेरस का कैसा रहा, धनतेरस का इस बार बहुत अच्छा रहा क्योंकि हमारे इधर किसानों की ग्राहकी ज़्यादा हैं और इस बार सोयाबीन के भाव बहुत अच्छे मिले और अभी प्याज के भाव भी बहुत अच्छे आ गए थे, इसकी वजह से धनतेरस पर काफ़ी बिक्री हो रही है। क्या क्या चीज़ों की ज़्यादा बिक्री? अभी सबसे ज़्यादा मोबाइल और LED और फ्रिज की बिक्री ज़्यादा हो रही है। आपका नाम और दुकान का नाम? मेरा नाम मनोज पाटीदार, दुकान का नाम मुकाती मोबाइल सेल्स एंड सर्विस सेंटर, बस स्टैंड हाटोपिया।